हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दिव्यांश शर्मा। वेलकम टू आई जी सी बी एस ई। आज एक बहुत ही प्रेस्टीजियस एग्जामिनेशन और सर्विस के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, जिसका सपना बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है ज्वाइन करने का, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उन्हें अटेम्प्ट कब करना है इस चीज़ के लिए, कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और बेस्ट वे क्या है एंटर करने का। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आई विल बी टॉकिंग अबाउट नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। सो नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है, ये जॉइंट सर्विसेज एकेडमी है इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के लिए, और 3 कैडेट्स में डिवाइड किया गया है, है ना। पहला है आर्मी, यानी कि जो लैंड पे हमारी सोल्जर्स हैं, आर्मी, नेवी यानी कि वाटर, और एयर फोर्स यानी कि एयर। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स, जो कि एक साथ ट्रेन करते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए, और नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद ये 3 कैडेट्स में डिवाइड किया जाता है। जो एल्यूमिनाई हैं, अगर मैं बात करूँ कि NDA के एल्यूमिनाई कौन हैं, तो इनमें परमवीर चक्र रेसिपिएंट्स इन्वॉल्व हैं, इनमें अशोक चक्र रेसिपिएंट्स इन्वॉल्व हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितनी बेहतर और बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही अर्ली स्टेज से स्टार्ट हो जाता है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए होती है जो क्लास 12th पास आउट है, यानी कि वो 12th अपियरिंग में भी दे सकते हैं, लेकिन 12th क्लियर होने के बाद ज्वाइन करेंगे। तो ये एंट्री जो है ना, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहलाती है, क्योंकि जब एक स्टूडेंट क्लास 12th से पास होता है तो वो स्टूडेंट मैच्योर्ड नहीं होता है, वो अनमैच्योर्ड होता है। तो उस स्टूडेंट को किसी भी शेप में ढाला जा सकता है, और आर्म्ड फोर्सेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो एक कैंडिडेट आता है उसको अलग तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, अलग तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है। जब हम ग्रेजुएशन में जाते हैं तो हम बहुत चीज़ें सीख चुके होते हैं, मैच्योर हो चुके होते हैं, हमारे बिहेवियर में बहुत ज़्यादा डायनेमिक चेंजेस आ चुके होते हैं, लेकिन जब 12th पास होते हैं तो उसको बोला जाता है इनोसेंट स्टेज। वहाँ से अगर प्रिपेयर करना स्टूडेंट स्टार्ट कर देता है आर्म्ड फोर्सेज के साथ, तो वो एक बहुत बेहतर ऑफिसर बन के निकलता है। इसलिए NDA का जो सिलेक्शन रेशियो है वो भी बहुत ज़्यादा होता है कंपेरेटिव टू ऑल दोज एग्जामिनेशन जो कि ग्रेजुएशन बेस्ड होते हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस में मैंने आपको बताया कि एक रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, और कौन कंडक्ट करता है, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये NDA का एग्जाम कंडक्ट करती है। एक ईयर में 2 बार ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, यानी कि आप अगर 12th के स्टूडेंट तो आपको 2 बार मौका दिया जाएगा एक ही साल में NDA का एग्जाम देने के लिए। इसमें क्या है कि पहले आप रिटर्न एग्जामिनेशन देते हो, और रिटर्न एग्जामिनेशन में आपकी साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद अगर आपका रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है, एक लिस्ट निकलती है आपको SSB इंटरव्यू के लिए। ये बहुत ही एक्सटेंसिव इंटरव्यू होता है, बहुत ही ज़्यादा आपकी क्वालिटीज़ को जज किया जाता है इसमें, क्योंकि आपका फिजिकल, मेंटल, सोशल तीनों वेलनेस इंपॉर्टेंट है, तीनों हेल्दी होना इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप अगर एक ऑफिसर बनने के लिए जा रहे हैं तो उनका ये ड्यूटी है कि वो ये मैच करें कि आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो जो इंटरव्यू होता है वो आपके हर एक कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर को जज करने के लिए किया जाता है, जिसमें कि आपका जर्नल एप्टीट्यूड, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, टीम स्किल्स, फिजिकल एंड सोशल स्किल्स, अलॉन्ग विद द मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिटनेस इज़ द प्रायोरिटी। फिट नहीं होंगे तो आप आर्म्ड फोर्सेज में कैसे जा पाओगे। इनकमिंग क्लासेस जो होती हैं वो आपकी 2 बार एक्सेप्ट की जाती हैं, एक बार जनवरी में और एक बार आपकी ये एक्सेप्ट की जाती है जुलाई में। बात करें कि कितने लोग ये एग्जामिनेशन देते हैं, तो लगभग 450,000 एप्लीकेंट्स जो हैं हर एक रिटर्न एग्जामिनेशन, यानी साल में 2 बार हो रहे हैं, तो 450,000 हर एक एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने वाले कैंडिडेट्स हैं, और इसमें से 6,300 को लगभग इनवाइट किया जाता है कि आप इंटरव्यू दे दो, और इंटरव्यू के बाद भी फर्दर शॉर्टलिस्टिंग होती है। तो इसका जो नोटिफिकेशन है NDA का, ये UPSC की वेबसाइट में और साथ के साथ जितने हमारे न्यूज़पेपर्स हैं उनमें रिलीज़ कर दिया जाता है टाइमली, ताकि बच्चे इसको अप्लाई कर सकें। आर्मी कैडेट्स जो हैं वो इंडियन मिलिट्री अकेडमी IMA में जाते हैं, एयरफोर्स कैडेट जो हैं वो हमारे AFA में जाते हैं, एयरफोर्स अकेडमी में जाते हैं, नेवल कैडेट्स जो हैं वो हमारे INA में जाते हैं, यानी इंडियन नेवल अकेडमी में जाते हैं। जो भी कैडेट्स हैं वो 10+2 एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद जाते हैं, और इनको एक बैचलर डिग्री भी दी जाती है, और ये बैचलर डिग्री जो दी जाती है ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से दी जाती है। यानी ऐसा नहीं है कि आपने NDA का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, SSB इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो आप आर्मी ऑफिसर बन जाओगे, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी आपकी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होती है, रिग्रेस सेशंस होते हैं, उसमें ये जज किया जाता है कि कौन लोग आर्मी ऑफिसर या आर्म्ड फोर्सेज में जाने के लायक हैं। जो जाने के लायक होते हैं वो उस 3 साल की जर्नी में अपने आपको पक्का बना लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, और उसके बाद फिर वो ऑफिसर्स बन के निकलते हैं अपनी अकेडमी से। तो
एक मैंने लास्ट में मैसेज लिखा है कि दिस प्रोफेशन इज़ फॉर पीपल विद ब्रेव हार्ट्स, यानी कि सिर्फ आप एक गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो, सिर्फ आप स्टेबिलिटी चाहते हो तो ये जॉब आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें आप अपनी लाइफ को भी कई बार दांव पे लगाओगे और आप बाकी सारी सोशल बाउंडेशन से लिबरेट हो जाओगे। आपके लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी वो अपने देश के लिए रहेगी, इंडिया के लिए सर्व करने के लिए रहेगी, तो आपको एक्सट्रीम कंडीशंस में काम करना पड़ेगा। हो सकता है आपको अपनी फैमिली से दूर रहना पड़े काफ़ी टाइम तक, हो सकता है आपके पर्सनल कनेक्शंस भी ना हो पाए, टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस भी ना हो पाए आपकी ऐसी जगह पर पोस्टिंग हो। तो ये जो सेवा है, इसको एक सेवा कहते हैं, ये जो सेवा है ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो एकदम ब्रेव होते हैं और जिनमें ये भावना शुरू से होती है कि मुझे देश के लिए कुछ करना है। इट इज़ नॉट जस्ट अ जॉब, इट इज अ डेडिकेटेड पेट्रियोटिज्म टुवर्ड्स आर कंट्री। तो इसलिए वो ही लोग इसके लिए प्रिपेयर करें जो एक मेंटल मेकओवर कर चुके हैं कि हाँ भाई मुझे तो देश की सेवा ही करनी है। आपको एग्जामिनेशन के बारे में बताया, आपको कल्चर के बारे में बताया, SSB इंटरव्यू एक बहुत ही मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है लाइफ की। कोई भी स्टूडेंट अगर वो इंटरव्यू 5 दिन वहाँ पर जाके दे देता है तो उसको ना अपने बारे में काफ़ी चीज़ें पता लगती हैं, तो ये एक बहुत ही खास तरीके का एग्जामिनेशन होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप ज़रूर इसको अटेम्प्ट करें। अगर आप 12th में साइंस के साथ पढ़ रहे हैं, आपके पास मैथमेटिक्स है, साइंस है, तो आप ज़रूर इसको अटेम्प्ट करें। उसके बाद फिर आप देखें कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है, तो जब ज्वाइन करना हो उससे पहले आपको डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। सो आई होप मैंने आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी होंगी, आई होप मैंने आपको मोटिवेट किया होगा टुवर्ड्स दिस एग्जामिनेशन, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता लगी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो NDA के बारे में अगर उन लोगों को नहीं पता। मुझे भी बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।